देश के 8 राज्यों की 57 सीटों के साथ झारखंड की और भी सीटों पर जो नामांकन है वो फिलहाल अब खत्म हो गया है। आज नामांकन पत्रों की जांच और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अंतिम फेज में झारखंड में गोड्डा, राजमहल और दुमका में 1 जून को वोटिंग होनी है। तो इन 3 सीटों के लिए कुल 68 लोगों ने चुनावी पर्चा भरा है। सबसे ज्यादा 29 उम्मीदवार गोड्डा की सीट से हैं। दुमका से 22 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। वह राजमहल से 17 ने पर्चा भरा है, जिसमें बड़े चेहरे दुमका से बीजेपी की सीता सोरेन है, जेएमएम के नलिन सोरेन, गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे, कांग्रेस के प्रदीप यादव, राजमहल से जेएमएम विजय हंसदा, बीजेपी से ताला मरांडी, निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम समेत कई छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना चुनावी पर्चा भरा है। तो अंतिम फेज में दंगल है झारखंड में। अंतिम फेज के लिए कुल 68 लोगों के बीच में दंगल। दुमका में से 22 लोगों ने नॉमिनेशन किया है और साथ ही साथ राजमहल से अगर बात करें 17 लोगों ने चुनावी पर्चा भरा है। तो 17 मई तक अंतिम फेज के लिए नाम वापस लिए जा सकते हैं। वही आज नामांकन पत्रों की जांच होनी है। तो अंतिम फेज चल रहा है और इस बीच में 1 जून को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। अंतिम फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल खत्म हो गई है। झारखंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया फिलहाल खत्म हो चुकी है। 29 उम्मीदवार गोड्डा की सीट से इस वक्त झारखंड में अंतिम फेज के लिए कुल 68 लोगों ने पर्चा भरा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।